thank you हेलो एवरी वन आई एम गुल गुल्राम सेलॉन बाई गुल्ड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स थैंक्स टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियोज ओके फ्रेंड्स आज हम करेंगे जनाब करली हेयर पे स्टाइलिंग विद हेयर एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन को हम सेट कैसे करेंगे ये भी आज बताऊँगी मैं आपको तो फ्रेंड्स आपने जो है ना ईयर टू तो ईयर पार्टीशन कर लेनी है पार्टीशन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने रूट्स में जस्ट जो ना बैकॉम करना है थोड़ा के लिए बिकॉज हमारे जो फेस का थोड़ा सा जो फ्रेम बन जाता है ना तो समाइम क्या होता है कि हमारी जो फजीक होती है वो थोड़ी आ, हैवी होती है और हेल्दी होते हैं हम लोग तो फिर हमारा जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल थिन से पतली सी लुक आएगी ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगता सेम टू तो सेम मैच नहीं लगता तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्लियर ली है उस पर हमने जो है वो बैक कॉम किया और बैक कॉम के अंदर हमने इस तरह से इसके क्लिप्स को ओपन करने और इसको आपने रिमूव भी जो हेयर एक्सटेंशन होती है ना इनको रिमूव भी करने के लिए आप आपने इनके जो क्लिप्स हैं ना उनको ओपन करना होता है ठीक है समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट को जो होता है वो पता नहीं होता कि इसके क्लिप्स हैं तो वो इसको ऐसे खींचते हैं तो आपके अपने हेयर्स जो होते हैं ना वो भी हेयर फॉल होता है आपके बाल जो हैं वो टूटते हैं ठीक है थीके? तो आपने इनके क्लिप्स को ओपन करना और फिर आपने इनको बिंदिया सेटिंग हमने कर ली है हमने जो अपनी बैक ऑम किया ना उसके अंदर ही हमने इसकी पिन को अच्छे से एडजस्ट करना है ताकि हमारी बिंदिया जो ना बार बार इधर उधर नहीं जाए ठीक है अभी जो हमारे पास जो ये हमारी जो आज की ना, इनके हेयर्स थोड़े करली थे तो करली हेयर को आपने जब इस तरह से बैक बैकॉम करना है तो आपने जिन बालों पे बैक करना है ना वो बालों को आप बिल्कुल स्ट्रेट ना करें आप उनको वैसे ही जैसे कि आपको पता है ट्रेंड में है कि हम लोग बालों को क्रीम करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए तो आपके पास अगर इस तरह से करली हेयर्स आते हैं तो आपको जितने हेयर्स जो आपके स्ट्रेट चाहिए ना आप उनको स्ट्रेट करें बाकी बालों को आप जो है ना वैसे ही बैक बैकऑम कर लें तो आपका वॉल्यूम बड़ा अच्छा आता है तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारी ये वाली क्लाइंट जो थी ना इनके माइंड में कंसेप्ट ये था कि इनके जो हेयर्स हैं ना ये इनको स्ट्रेट मांग में ही अच्छे लगते हैं और जब ये साइड मांग करती हैं तो इनकी लुक जो है ना इनको फेस पे अच्छी नहीं लगती तो फ्रेंड्स आज जो इनका ये कंसेप्ट था ना वो मैंने क्लियर करना था और इनको मैंने साइड मांग में ही स्टाइलिंग की थी और ओवरऑल कंप्लीट के लुक के बाद ये इतनी प्यारी लग रही थी इनके आफ्टर जो फीडबैक था ना वो मैं आपके साथ शेयर uh, uh, नहीं कर सकती अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती कि इनका जो आफ्टर फीडबैक था ना बहुत ज़बरदस्त था इन्होंने घर जाते ही मुझे मैसेज किया था कि आज की मेरी लुक जो है ना वो सबको इतनी अच्छी लगी है कि मेरी बिल्कुल टोटली जो आज की जो लुक है ना वो चेंज है क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो था ना वो फ्रंट मांग में ही स्टाइलिंग करवाई थी मेहंदी लुक में भी मैंने इनकी जो थी वो फ्रंट मांग में स्टाइलिंग की थी तो इनके माइंड में था कि मुझे फ्रंट मांग ही सूट करती है बट फ्रेंड्स कुछ भी ऐसा रूल नहीं होता कि आपको जो है ना एक बार आपने जो चीज़ की वो आपको सूट करती है और नेक्स्ट आप उसको चेंज ना करें आप थोड़ा लुक को चेंज किया करें ताकि आपको पता चले कि आपकी जो है किस तरह से कौन सी लुक आपको आपकी मोस्ट फेवरेट ट है ठीक है तो वैसे अगर हम अपने आ, कुछ थोड़ा सा जो होता है ना उसको बैलेंस करके करते हैं ना तो हमें साइड मांग फ्रंट मांग इस तरह से दोनों ही सूरतों में हमारे फेस पे लुक अच्छी आ सकती है ऐसा कोई आ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फ्रंट मांग अच्छी लगती है साइड मांग अच्छी नहीं लगती सब कुछ अच्छा लगता है बस आपको करने का जो होता है ना थोड़ा सा तरीका उसका होना चाहिए तो इस तरह से मैंने इनकी जो थी आज साइड मांग की थी इनके हेयर्स की जो कटिंग भी नहीं थी बट इनको मैंने थोड़ी सी जो थी ना इस तरह से लुक थी कि इनके हेयर्स की ऐसे लग रहा था कटिंग इनके साइड पे मैंने झूमर की सेटिंग करनी थी तो फ्रेंड्स झूमर की जब भी आपने सेटिंग करनी हो आप इस तरह से क्या किया कि थोड़ा सा वॉल्यूम दिया करें ताकि आपका झूमर बिल्कुल ही स्लिपी सा ना लगे बिल्कुल ही स्किन के साथ ही अटैच ना हो थोड़ा सा उसको जो है ना फ्लफी सी लुक आती है उसकी ठीक है तो इस तरह से आपने स्ट्रेटर के साथ भी जब सेटिंग करनी है जब आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है ना तो आपने उनका हेयर्स का जो एंगल है ना वो आपने देखना है कि किस एंगल में आप उसको लेके जा रहे हैं ठीक है अभी जो है मैंने दूसरी साइड पे भी इस तरह से थोड़ा सा आपने उसको वॉल्यूम देते हुए जो है ना कर्ल को अपने स्ट्रेटनर को तो फिर आपने कर्ल करना है इस तरह से देखें आपने पहले स्ट्रेट लेके जाना है फिर उसको जो है ना आपने देखें अभी कितना ज़बरदस्त इनका वॉल्यूम भी आ गया है, और इनकी कर्ल्स भी हो गए हैं अब इनकी हमारी साइड की जो पार्टीशन है ना उसमें हम अपनी झूमर की सेटिंग करेंगे माशाला से बड़ी क्यूट लग रही थी ये हमारी जनाब आज की क्लाइंट इस तरह से हमने इनकी एक्सटेंशन के साथ इनके हेयर्स की लेंथ थ भी बढ़ा ली थी और इस तरह से जो था ना बिल्कुल भी हमारी जो एक्सटेंशन थी ना इनके हेयर्स में जाकर वो फेक नहीं लग रही थी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे अपने रियल इनके हेयर्स होते हैं और उन्हीं में सेटिंग है तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दे देखें इनकी साइड मांग में जो स्टाइलिंग की है ना कितनी जबरदस्त इनकी स्टाइलिंग लग रही है और उसके अलावा इनके जो हेयर्स की एक्सटेंशन है ना वो भी इस तरह से लगाई है कि इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि इनकी हेयर एक्सटेंशन जो है ना वो गिर सकती है ठीक है फ्रेंड्स तो आपने इसको जब रिमूव करना है तो आपके प्लस कोई भी क्लाइंट आता है तो आप उसको रिमूव करने का तरीका भी बताया करें बिकॉज समटाइम क्लाइंट को पता नहीं होता कि इसको रिमूव कैसे करने टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ अलाउड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़